प्रिय मित्रों, आप सभी पर गणपति गणेश जी की, धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, भगवान धन्वंतर की असीम कृपा बरसती रहे। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, तो इस त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन का बहुत ही महत्व है। इस दिन पर 13 वस्तुएं खरीदने का प्राविधान है। अगर हम घर में 13 वस्तुएं खरीदते हैं तो हम धनतेरस का त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से मनाने में संपन्न होते हैं। सबसे पहले धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, नंबर 2 कमलगट्टे की माला। कमलगट्टा माता माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, कमलगट्टे की माला खरीदते हैं और कौड़ी खरीदते हैं, 13 कौड़ी खरीदते हैं। लाल गुंजा खरीदते हैं, लाल गुंजा भी 13 होना चाहिए। सूखी धनिया भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। खड़ा नमक खरीदते हैं, खड़ा नमक जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सोने की कोई वस्तु खरीदते हैं कि सोना भी खरीदना बहुत शुभ होता है और सोना जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। चांदी का सिक्का ऐसा खरीदते हैं जिसमें गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनी हो। पीतल या तांबे के बर्तन भी खरीदना शुभ होता है। झाड़ू खरीदते हैं, खड़ा नमक खरीदते हैं, लाल गुंजा खरीदते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं। इस प्रकार से धनतेरस के दिन इन 13 वस्तुओं को खरीद कर धनतेरस का और गणपति गणेश जी की माँ लक्ष्मी की जो है पूजा करते हैं। इस तरह शुभ धनतेरस पर 13 वस्तुएं खरीद कर 13 दिए जलाते हैं। 13 दिए जो घर के मंदिर में जलाते हैं वो गाय के दीपक के होने चाहिए और 13 ही दीपक घर के बाहर मुख्य द्वार पर जलाते हैं। उन 13 दीपक में एक चौमुखा दीपक यम का होता है जो कि अपने मेन गेट के बाहर लगाना चाहिए और यह यम का दीपक साल में एक ही बार लगाया जाता है। इस यम के दीपक को हम मिट्टी का भी बना बड़ा ले सकते हैं जो कि दियाली से बड़ा सिरवा होता है उसको ले सकते हैं। उसमें 4 बत्ती लगाते हैं और पूरे कड़वे तेल से भर देते हैं, उसमें काला तिल डालते हैं। इस यम के दीपक को हम जलाते हैं मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर। अगर हम एक बत्ती का दीपक जलाते हैं तो